हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। और एक नए व्लॉग में आपका बहुत सारा स्वागत है। अभी देखिए सुबह के 6:20 हो चुके हैं और मैं थोड़ा जल्दी उठ चुकी हूँ। और भी तो अभी मैं आज पुनीत से ही लंच बॉक्स पैक करवा रही हूँ ताकि उसको पता चले कि लंच बॉक्स में उनके क्या क्या जाता है और कितना जाता है। तो एक में देखिए डिब्बी दिखाई है, इसमें एक में सब्जी जाएगी और एक में रोटी जाएगी और एक में फ्रूट जाता है। और उसके साथ ही फोक डालते हैं और एक स्पून भी डालते हैं। ये दोनों का लंच बॉक्स पैक हो चुका है, एक विनीत का है और एक पुनीत का। इसके बाद मैं इनको स्कूल ड्रॉप करने गई थी और उसके बाद आके मैंने अपना बाकी काम समेटा। और अभी देखिए राजू है जो वो झाड़ू लगा रही है, और ये जीव है छोटी सी, ये मेरे जेठ की पोती है। तो ये हमारे घर आई हुई है अभी। मैं देखिए अपनी पूरी मस्ती कर रही है और कितना बोलती है ये। आप ये भी देख लीजिए इसकी बात। आप कैसे हो? बहुत मीठी मीठी बातें करती है, बहुत ज़्यादा। और ये स्कूल भी जाती है ना अभी, तो इसके स्कूल का नाम DPS पब्लिक स्कूल है और इसको पब्लिक पब्लिक करती है। बहुत क्यूट है ये, बहुत बातें करती है ये। ये देखिए अभी मैं इसके पीछे गई थी, राजू को जाके किचन में मिल गई। और ये देखिए हमारे कितने सारे कपड़े भी तय लगाने के लिए थे, इसके बाद हमने कपड़े तय लगाए। और उसके बाद मैं और दीदी गए सूट लेने, हम गए कपड़े वाले की दुकान पे। तो ये देखिए कुछ एक सूट उन्होंने दिखाए हमें, जो दो पसंद आए थे वो हम लेके आ गए। ये जो ग्रीन वाला है ये मेरा है, और ये जो पिंक है शेड दूसरी वाइट क्रीम ये दीदी का है। और हम दोनों अपने अपने सूट लेके आ गए। पहले हम लेके आ चुके थे लेकिन अभी हमारा एक एक लेने का और मन था, तो इसलिए हमने सोचा चलो एक एक और ले आते हैं। ये दीदी को इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद आया था और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इसका, तो इसलिए देखिए इनके दुपट्टे मैं आपको लेके दिखा रही हूँ कैसे। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं आपके साथ आज ज़्यादा नहीं बना पाई ये लोग। ये अभी मैं शाम के टाइम बाड़े में गई, तो बाड़े में जाने के बाद इतना मैं गई तो मेरे हस्बैंड ने आज पूरा काम निपटा दिया था, क्योंकि आज दीदी घर पर नहीं थी। हमारी फैमिली में एक ट्रेजडी हो गई है तो दीदी और भैया वहाँ गए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड ने सारा काम निपटा दिया आज। मुझे तो पता ही नहीं चला, जब मैं गई तो देखा सब कुछ निपटा हुआ था, कोई भी काम बाकी नहीं था, सिर्फ घास डालना था गायों को, वो भी हस्बैंड ने अपने आप ही डाल दिया। आज मेरे पतिदेव ने सारा काम अपने आप से किया। ये मेरा बेटा बैठा है देखिए, पूरे ये मिट्टी में खेलता है अपने ट्रैक्टर के साथ ही, बड़ा हो गया 10 साल का लेकिन फिर भी ट्रैक्टरों के साथ ही खेलता है, और वो भी मिट्टी में, इसको बहुत मज़ा आता है। और आज मेरे पति देव ही निकाल रहे हैं दूध भी, तो मैंने उनको बोला कि आप ही निकाल दो बस अब दूध भी, जब बाकी और काम निपटा दिया तो ये भी निपटा दो एक। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो भाई मैं ही निकाल देता हूँ। तो ये निकालने लग गए हैं दूध, और मैं यहाँ बैठी आराम से इनका वीडियो बना रही थी, और साइड में हमारे बच्चे हैं जो वो लग रहे हैं अपने कामों पर। आप प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। ये देखिए आगे और क्या कुछ हो रखा है। ये पुनीत खड़ा है यहाँ पे, वो स्केट डाल के वो आज स्केट बाड़े में ही चला रहा है, और विनीत अपने ट्रैक्टर के साथ दोनों के साथ खेलने में लगा हुआ है। वो विनीत क्या करता है देखना, खड्डे में पानी इकट्ठा करता है और उसके अंदर पूरा ट्रैक्टरों को चलाता है, पूरे मज़े से बहुत मज़े लेता है वो मिट्टी में खेलने के, तो इसी तरीके से करता है। आज मेरे हस्बैंड ने निकाली है धार, तो इसलिए दूध थोड़ा गाय ने ठीक सा नहीं दिया है। ये आपको लग रहा होगा कल कम था, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि सुबह थोड़ा जल्दी दूध निकाल लिया था, शाम को हमने थोड़ा लेट निकाला, तो इस वजह से जब हम सुबह शाम का थोड़ी टाइमिंग का फ़र्क पड़ जाता है। अगर सुबह 5 बजे निकालते हो, शाम को भी अगर 5 निकाल तो फ़र्क पड़ता है फिर भी, क्योंकि दिन ज़्यादा लंबे होते हैं गर्मियों में और रातें थोड़ी छोटी होती हैं, तो इस वजह से दूध की जो क्वांटिटी है उसमें फ़र्क पड़ जाता है थोड़ा, 1-1.5 किलो का, ज़्यादा तो नहीं होता। ये देखिए, और मैं बता दूँ हम जितना भी दूध निकालते हैं हम अपना घर में यूज़ करते हैं सारा दूध। और देखिए ये पुनीत इधर साइड में बैठ गया, ये अपने स्केट के साथ खेल रहा है पूरा। ये देखिए इसको मज़ा आ रहा है ऐसे खेलने में। गली में चला रहा था तो हमने मना कर दिया कि सड़क पर नहीं चलाना, क्योंकि आपको पता है रोड चलता रहता है हर टाइम, बाइक्स आती रहती हैं, साइकिल चलती हैं, कारें चलती हैं, बड़े बड़े ट्रक आते रहते हैं, तो इस वजह से हमने उसको मना कर दिया था। ये देखिए मैंने आपको भी बताया था विनीत का, ये देखिए कैसे करता है, ऐसे ही खेलता है हमेशा, इसको पूरा गंदा रहने का शौक है, मिट्टी के अंदर पूरा लथपथ रहेगा। देखिए सारे कपड़े इसने अभी डाल के आया घर से, अभी गंदे भी कर दिए, कह दिया ना छोड़ दे विनीत। इसके पापा से बहुत डांट पड़ी इसके लिए, और मैं भी डांट रही थी कि ये क्या किया तूने, पर ये नहीं मानता ना, तो अपनी मन मर्जी से ही कर रहा है। और हम मैं बना रही हूँ आज रात के खाने, इसके बाद हम घर आ गए,
घर आके मैंने की रात के खाने की तैयारी, आज माड़ी में खाना नहीं जाएगा क्योंकि आज मिस्त्री नहीं आए। पर मैंने आपको बताया था जैसे कि हमारी फैमिली में एक ट्रेजडी हो गई है, तो आज तो मैं सारा खाना बना रही हूँ, सारा अपने घर का भी और अपने ताया जी के घर के लिए भी सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी जेठानियाँ दीदी हैं उनकी जो भाभियाँ हैं वो एक्सपायर हो गई हैं, तो इस वजह से आज सब लोग वहीं पर गए हुए हैं, तो मैं अकेले घर पर थी तो इसलिए तो सबका खाना बना देती हूँ। अभी सब्ज़ी मैंने बनानी शुरू कर दिया है, कोफ्ते बनाऊँगी आज सबके लिए, तो बस अब बना के फिर मैं सब कुछ रेडी करके फिर लेके जाऊँगी बाड़े में, क्योंकि हम यहाँ गांव में बीच में रहते हैं और ताई जी का जो हमारे घर है वो बाड़े के, हमारा जहाँ बाड़ा है उसके पास में उनके घर बने हुए हैं, वहीं साथ साथ में हमारे दोनों के हमारा बाड़ा है, उन्होंने घर बना लिया था क्योंकि हमारा तो घर अलग जगह है इसलिए। तो अभी मैं बना के अपना सारा काम फिनिश करने के बाद फिर जाऊंगी। और मैं बता दूं आज किचन में थोड़ी हेल्प मेरे हस्बैंड कर रहे हैं पति देव मेरे, क्योंकि मेरे बेटे को साथ नहीं खानी थी फ्रेंच फ्राइज, उसने कहा मुझे खाना है फ्रेंच फ्राई, तो मैंने बोला कि अब तो मैं कट भी नहीं कर सकती, मेरे पास तो बहुत सारा काम है आज, इतने सारे लोगों को खाना बनाना था, अकेली मैं वैसे थी, तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है चलो भाई मैं कट कर देता हूँ, तो उन्होंने कट किया। मैंने जब कोफ्ते बनाए तो आधे कोफ्ते जो लोग ऐसे ही खा गए, पुनीत और उसके चाचा, कि चलो हम खा लेते हैं। तो इसी के साथ पुनीत को मैंने बोला है कि आप शाम को जो मंदिर में पूजा है, क्योंकि हम सुबह भी करते हैं शाम को भी करते हैं, तो शाम की पूजा करनी थी, तो मैंने पुनीत से बोला कि आप बेटा कर दो आज, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। देखिए हमारे मंदिर में मैं कुछ दिन आपको मंदिर भी दिखाऊँगी अंदर से अपना सारा, फिर उसके बाद मैंने पुनीत ने किया, और उसके बाद मैंने आटा गूँना सबके लिए, आटा गूँना चावल बनाए, तो इसके बाद बस फिर हम रात को सोने चले गए। देखिए विनीत अभी सोने की एक्टिंग कर रहा है, तो अभी सोया नहीं था ये। और इसके साथ मैं ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।